नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर ग्रेट माइग्रेशन इन मसाई मारा केनिया स्टार्ट हो चुका है दोस्तों हर साल जुलाई में यह माइग्रेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर तक जहां से स्टार्ट होता है उधर ही ये वापस पहुंच जाता है कई सारे एनिमल्स का माइग्रेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिल्ड बीस्ट तो आज इस वीडियो में ये माइग्रेशन के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कितने किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं कौन कौन से मेजर प्लेसेस ये क्रॉस करते हैं कौन कौन से डेंजरस रिवर्स इन्हें क्रॉस करना पड़ता है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे शुरुआत करते हैं दोस्तों वैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी बीबीसी एनिमल आपनेट जैसे चैनल्स में ग्रेट माइग्रेशन के वीडियोस देखा होगा ग्रेट माइग्रेशन को मसाई मारा ग्रेट माइग्रेशन भी बोलते हैं दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ विल बीस्ट टांजानिया से केनिया तक पहुंच जाता है क्रॉसिंग द सैंड रिवर तो देखिए ये सैंड रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों जो इन विल्ड बीस को क्रॉस करना पड़ता है यह नाम आप ध्यान दीजिए वैसे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे दोस्तों ये ग्रेट माइग्रेशन के टाइम पर कई सारे टूरिस्ट फोटोग्राफर सब पहुंच जाता है दोस्तों ये जो इवेंट है उन्हें कैप्चर करने के लिए वैसे ग्रेट माइग्रेशन सीजन कब से कब है जुलाई से लेके सितंबर तक है अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे दोस्तों द ग्रेट विल्ड बीस्ट माइग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल नेचुरल स्पेक्टेकल्स आप बोल सकते हो दुनिया में एक एनुअल मूवमेंट है बाई मिलियन ऑफ विल्डबीस्ट, आ बाय बाई लार्ज नंबर ऑफ जीब्रा ग्रांड्स, गजेल टॉमजन गजेल एलान्स एंड इम्पालस एक्रॉस द ग्रेटर मसाईमारा से जो माइग्रेशन है, है अलावास इम्पालास होते हैं जुलाई से सेप्टेंबर तक रहता है दोस्तों मसाईमारा वेलकम करता है ग्रेट माइग्रेशन ऑफ वन पॉइंट फाइव मिलियन विल्ड बीस एंडरा फ्रॉम द जेरेंगे बेसिकली ये माइग्रेशन जो है दोस्तों टनजानिया केनिया के एक बॉर्डरिंग कंट्री है टानसानिया तो टानसानिया का जेरेंगटी से केनिया का मसाई मारा तक एक माइग्रेशन रहता है और ये वापस पहुंच जाता है ठीक है नाउ पूरा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है दोस्तों 800 हंड्रेड किलोमीटर्स क्लॉकवाइज इन ए सर्कल थ्रू द सेरंगटी एंड मसाईमारा एको सिस्टम इन सर्च ऑफ ग्रीनर मिनरल रिच पास एंड वाटर तो बेसिकली देखिए ये एनिमल्स का माइग्रेशन किस लिए होता है ये रिच पास ढूंढते हैं अच्छा पानी ढूंढते हैं ग्रीनरी ढूंढते हैं ये देखिए दोस्तों विल्ड बीस के अलावा ये सारे एनिमल्स का माइग्रेशन होता है ये है टॉम्सन गजेल ग्रांस गजेल जेंट एलैंड एंड इम्पाला ठीक है वैसे विल्ड बीस कौन सा एनिमल है आपको पता है जीब्रा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अब ये मैप देखिए दोस्तों ये विल्ड बीस्ट माइग्रेशन मैप है इधर आपको केनिया दिख रहा है केनिया के साथ में ये जो कंट्री है ये है टैंजानिया नौ मैंने आपको पहले ही बोला विल्ड बीस माइग्रेशन शुरू होता है ट्रांजानिया का सेरेंगिटी इकोसिस्टम में तो सेरेन्गिटी इकोसिस्टम बेसिकली यह है दोस्तों सेरेंगे इकोसिस्टम से इस तरह क्लोक वाइज ये लोग पहुंच जाता है कहां तक मसाई मारा तक तो इसके बीच में कई सारे रिवर्स ग्रास प्लेन्स वगैरह इन्हें क्रॉस करना पड़ता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इधर दिया हुआ है दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस का नाम देकर रिवर्स का नाम देकर ये कौन सा माइग्रेशन से बिलोंग करता है इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है ना यूपीएससी में देखिए तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है देख लीजिए लेक एंडूटू है मबला गेटी रिवर है पहले जो रिवर का नाम बताया सैंड रिवर है मसवा गेम रिसर्व है ग्रूमती रिवर है ग्रूमती ग्रेम रिजर्व भी है ईस्टर्न वुडलैंड्स है शेरोनेरा वैली है एंड फाइनली मसाई मारा है इधर जो दिख रहा है ना दोस्तों यह है मारा रिवर इसमें मारा रिवर को क्रॉस करना सबसे डेंजरस माना जाता है अब दोस्तों टाइमलाइन ऑफ देर माइग्रेशन जैसे मैंने आपको पहले बोला इनका माइग्रेशन जुले में शुरू हो जाता है लेट जुलाई या फिर अर्ली ऑगस्ट तो एर्ली ऑगस्ट तक मैक्सिमम जो हर्ट है वो ऑफ सेरेंगेटी रीजन से निकलते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर इसी टाइम पर ड्रामेटिक मारा रिवर क्रॉसिंग्स रहता है दोस्तों वैसे मारा रिवर क्रॉसिंग्स का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वैसे मारा रिवर नहीं है इसके अलावा कई सारे रिवर्स इन्हें क्रॉस करना पड़ता है सारे रिवर्स डेंजरस है दोस्तों क्योंकि रिवर्स में क्या रहता है क्रोकोडाइल्स रहता है ये वीडियो देखिए दोस्तों इधर आपको दिख रहा है द दे डेंजरस मारा रिवर क्रॉसिंग तो इसी तरह हजारों एनिमल्स हजार नहीं बोल सकता लाखों एनिमल्स का माइग्रेशन होता है दोस्तों और ये एक रिवर नहीं है इनके जो पूरे माइग्रेशन रूट में ऐसे कई सारे रिवर्स आएगा जहां क्रोकोडोइल्स रहेंगे क्रोकोडल्स जो है इन्हें आके खाने की कोशिश में रहते हैं क्योंकि उनके लिए ये बेसिकली एक टाइम है अच्छा खासा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा अब रिवर्स में क्रोकोडाइल्स है इसके बाद लैंड में जाएगा तो उधर लाइन और दूसरे जो लेपर्ड्स वगैरह है वो भी वेट करते रहेंगे फिर देखिए सितंबर तक सारे जो एनिमल्स हैं वो मारा प्लेन्स पहुंच जाता है अब मारा प्लेन्स में इनकी जिंदगी थोड़ा बहुत ठीक है अच्छा खासा खाने के लिए मिल जाता है और ये बिग कैट्स का अटैक्स भी कम रहता है और इसी टाइम पर बेसिकली सितंबर के महीने में मसाई मारा नेशनल रिजर्व में एपिक सफारी गेम ड्राइव्स रहता है जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है आप देख ही सकते हो किस तरह चीता जो है जम कर रहा है अंदर फिर अक्टूबर तक बारिश शुरू हो जाता है फिर नवंबर तक जितने हेड से वो वापस मसाई मारा से सरंगटी के लिए निकलते हैं ठीक है ठीके? और अगले जुले में फिर से यह माइग्रेशन शुरू हो जाएगा और ये नेवर एंडिंग साइकिल कंटिन्यू रहता है तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको ग्रेट माइग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अब हम मसाई मारा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे

मासाई पीपल अब ये मासाई पीपल कौन है ये बेसिकली एथनिक ट्राइबल ग्रुप है जो और नॉर्थेन टनिया को इनहैबिट करते हैं ठीक है ना ये लोग एक्चुअली नाइल बेसिन से इजिप्ट में जो नाइल बेसिन है उधर से माइग्रेट किए थे काफी साल पहले मारा का मतलब होता है दोस्तों स्पोटेड इन मासाई लैंग्वेज स्पोट ध्यान दीजिएगा ना मासाई मारा इसलिए बोलते हैं ड्यू टू द शॉर्ट बुशी ट्रीज दैट डोट द लैंडस्केप हिर देखिए ये जो लैंडस्केप है बेसिकली प्लेन एरिया है एक टाइप का ग्रास लैंड आप बोल सकते हो उधर छोटे छोटे बुशी ट्रीज है जो इधर उधर है एक साथ नहीं इधर उधर है तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा लैंडस्केप में बुशी ट्रीज स्पोर्ट किया हुआ है तो इसलिए यह जगह का नाम मासाई मारा है समझ गए नाउ स्पेशलिटी ऑफ मासाई मारा मासाई मारा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन अफ्रीका अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मासाई मारा में होता है दोस्तों इट इज नॉन फॉर इट्स एक्सेप्शनल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन लेपर्ड लायन चीता आफ्रीकन बुश एलिफेंट तो इतने एनिमल्स का कंजर्वेशन मेनली उधर होता है इसमें आफ्रीकन बुश एलिफेंट लार्जेस्ट एनिमल है इन द लैंड वैसे लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड अगर आपको पूछोगे तो आप बताओगे एनिमल सॉरी एलिफेंट वैसे एग्जैक्टली एलिफेंट नहीं है आपको बताना पड़ेगा अफ्रीकन बुश एलिफेंट है एलिफेंट में भी दो तीन तरह का है ना जैसे कि एशियन एलिफेंट है इंडोनेशियन एलिफेंट है ठीक है और ये अफ्रीकन एलिफेंट है अफ्रीका में जो बुश एलिफेंट है वो सबसे बड़ा है ठीक है नाउ इट होस्ट द ग्रेट माइग्रेशन ये सवाल आपसे पूछ सक, पूछ सकता है दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है जो ग्रेट माइग्रेशन को होस्ट करता है वो मसाई मारा नेशनल पार्क है एंड ग्रेट माइग्रेशन मारा वन ऑफ द टेन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखिए वन ऑफ द टेन नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं मसाई मारा को यह भी आप ध्यान दीजिएगा नाउ डाइवर्सिटी की बात करें मसाएमारा इज हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी इट इज होम टू मोर दैन थ्री थाउजेंड लाइन एट थाउजेंड हाइनास एंड थाउजेंड लपर्स इसके अलावा अफ्रीकन वाइल्ड है वाट होक अफ्रीकन एलिफेंट वाटरबर्ग टोपी ये सब है कंसर्वेशन के लिए केनियन एंड ट्रांजेनियन गर्वेंट में प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द रीजन तो बेसिकली देखिए गवर्नमेंट और ट्रांसैनियन गवर्नमेंट कोलाबरेट करके ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को कंजर्व करते हैं सरंगटी का एटी परसेंट लीगली प्रोटेक्टेड है दोस्तों ठीक है एंड ऑल्सो द रीजन इज होम टू एनगोरंगोरो दीजिएगा सवाल पूछ सकता है एनगोरंगोरो एरिया दिस आज दुबाई गोर्च एंड एनगोरगो क्रेटर तो ये दो जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है एंड ऑल्सो सम ऑफ दस्ट होमिन ये बेसिकली एंडसेस्ट्रल ह्यूमन फोसिल्स बोल सकते दोस्तों मतलब मिलियंस ऑफ इयोग जब हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट था तब का फोसिल्स नाउ उधर के क्लाइमेट क्या है वार्म एंड ड्राई है रेनफॉल होता है दो रेनी सीजन में मार्च टू मई पहले ही बताया इसी टाइम पर माइग्रेशन वापस होता है बेसिकली मसाई मारा से सरंगटी तक तो दोस्तों आपको मसाई मारा माइग्रेशन से रिलेटेड ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा लच्चो की पीडीएफ एज सूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है